तो हुआ यूं गोया के चुनाचे कि फ्लू हो गया, पता है पटवा बीमारी है, पट गया किसी से। मेरी तबीयत एकदम ठीक नहीं है, 3 दिन से काम पे भी नहीं गया। ये लड़का है कैमरा के पीछे, सैयद अशर अली, ज़बरदस्ती हमसे कह रहा है ब्लॉग बनाने के लिए। सोच रहे हैं सूप बनाया जाए, हम नहीं बनाएंगे, मेरी जो शरीक हयात है मलिहा, चिकन को निकाल के रखी है, फ्रोजन चिकन को, तो जिप लॉक बैग में इसलिए डालते हैं क्योंकि चिकन खरीद के लाते हैं एक ठो पूरा चिकन एक बार दिखाया नहीं जा सकता है, लेकिन पीछे एक और भी बार उनकी भी खस्ती की अवला आ रही है। थोड़ा सा गर्म पानी दे तो इसको करीब 15 मिनट और रखना होगा ऐसे ही गर्म पानी से, ऐसे पूरा डिफ्रॉस हो जाएगा। उसके बाद आगे की प्रतिक्रिया जो है हमारी नक्त जिगर, हमारी शहरी के हाथ मलिहा करने वाली। इस कुकर में दाल थी जिसको अब खाली करके कुकर धोया जाएगा, फिर इसी में बनेगा सूप। जितना बर्तन है धोना धो लो, कल पानी नहीं रहने वाला है। नोटिस आई है कि कल सुबह 8:30 बजे से 5 बजे तक नल जो है बंद रहेगा, मतलब पानी बंद रहेगा। ऐसा यहाँ भी होता है, एक दौर था हमारे यहाँ जब टाइम टेबल के हिसाब से पानी आता था, उस दौर को हमने देखा है कंकड़बाग में, वही दौर यहाँ भी देखने को। पानी बंद रहेगा 8:30 बजे से 5 बजे। कल नहीं है, परसों है। इट इज November 25। आज 23 है, 25 परसों है। मलिहा को ही धो लो आराम से बर्तन। कल तक धो सकते हैं। जुमा ही को बंद करना होता है हर बार। क्या ये सब्जी भी एकदम फ्रीजर में सूख गई है, अब इसको भी डिफ्रॉस करना पड़ेगा। अब इसको माइक्रोवेव में ही डिफ्रॉस कर देते हैं, इतना वक्त नहीं है हमारे पास। थोड़ा सा वेजिटेबल्स भी डाल दे रहे हैं, थोड़ी और ताकत इन लोगों को जरूरत है। दो बीमार बच्चे को माइक्रोवेव में डालने से अच्छा था कि पानी में डाल दो, तो ये जल्दी डिफ्रॉस्ट हो रहा है। ये सब्जी एक्सपायर नहीं करती है। फ्रीजर में रखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा किसी ने मुझसे कहा था। कब थी वैसे इसकी एक्सपायरी डेट? कि June 22 में एक्सपायर हो चुका है। तो हम तो खा रहे हैं क्योंकि मेरा पैसा लगा है, जो मेरे वाले सब हमेशा बोलते हैं उसमें से बात है कि सब्जी है फ्रीज किया हुआ है, हम खा रहे हैं, जिसको खाना है खाएगा, नहीं खाना नहीं खाएगा। तो लेकिन जुलाई को अरे सब्जी है वो, कौन तो प्रोसेस्ड फूड थोड़ी है। सब्जी कटा हुआ फ्रीज में डाल दिया गया, तो थोड़ी सी एक्सपायरी टाइम है, वो तो लिख देता हूं लोग ऐसे ही मजाक में। तो इसमें डाल रहे ऑलिव ऑयल कितना टेबलस्पून? 2 टेबलस्पून, क्योंकि सूप है तो ज्यादा तेल नहीं डालना है, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के चिकन को फ्राई करेंगे। इसके बाद ज्यादा डल गया, कोई बात नहीं। अच्छा वहां पे नीचे में दवाई का डब्बा होगा तेरा तो। पिछले 3 दिन से हम सिरारे फांक रहे हैं, डॉक्टर पीपी राकेश थे कंकड़बाग में, उनका होम्योपैथी दवाई खा रहे थे। थोड़े बड़े हो गए तब एलोपैथी खाना शुरू कर दिया। एलोपैथी कहते हैं क्या कहते हैं? एलोपैथ। तो सिरारे मेरे लिए सूट करता तो इंडिया से लेके आए थे, वही खा रहे हैं। हर तरह की दवाई है इसमें, जुकाम की, पेट दर्द की, गैस की, बहुत सारी लेकर आए थे इंडिया से। नहीं, बहुत सारी यही चीज़ें, टाइलेनॉल यही चीज़ है।
अगर ये वीडियो मेरे अब्बा देखेंगे तो मेरी पिटाई कर सकते हैं, वहीं से चप्पल फेंक के मार सकते हैं। बट हमारे अब्बा जो है ना, झोला छाप डॉक्टर थे अपने मोहल्ला के। सीन ये था कि अब्बा थे हेल्थ डिपार्टमेंट में, सरकारी नौकरी कर रहे थे, 30 साल हेल्थ डिपार्टमेंट में काम किए बिहार सरकार में। तो उनके मित्रगण में आए थे लोग डॉक्टर थे, तो उनके यहाँ डॉक्टर के यहाँ जाते थे तो अच्छा खासा सैंपल मेडिसिन सैंपल सब डॉक्टर सब दे देते थे उनको। तो अब्बा और नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, घर में काफ़ी लोग रहे हैं बीमार उमार या इलाज कराने पटना में ही हम लोग के आते थे, तो डॉक्टर से आना जाना बहुत रहा। तो बहुत सारे ऐसी बेसिक मेडिसिन के बारे में उनको जानकारी हो गई थी। वैसे ही अब्बा मेरे डॉक्टर वाले अच्छा खासा सैंपल रखते थे, वैसे हम भी पूरा डिब्बा भर के रखे हुए सैंपल। कुछ हमको भी दिखाओ अपने, तो वहाँ रोज नए नए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स आते रहते हैं अपना ड्रग जो दवाइयाँ होती है वो बेचने, तो वो सिर्फ दवाइयाँ ही लेकर नहीं आते हैं, साथ साथ इतना सारा खाना लेकर आते हैं। अच्छा यहाँ भी होती है? इंडिया में आई रिमेम्बर, तो सारे डॉक्टर्स और स्टाफ को अच्छा अच्छा खाने को मिलता है रोज। आज तो प्रॉपर इंडियन फूड था पूरा, खाना तो नहीं लेकर आते थे। बट आई रिमेम्बर जैसे एक दो दोस्त भी हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, तो बताते थे ऐसा था कि डॉक्टर लोग डिमांड करते थे कि मुझे यहाँ की टिकट करा के लगा दो, मेरी फैमिली के यहाँ घर में एसी भेजवा दो, सो दैट आई वुड राइट योर प्रिस्क्रिप्टिव मेडिसिन। ऐसा भी होता था कि घर में एसी लगवा दो, फ्रिज दे दो, ऐसा ऐसा सीन होता था बहुत सारे डॉक्टर्स का। यहाँ तो वो सब नहीं होता, ऑब्वियसली यहाँ तो बहुत स्ट्रिक्ट है सारी चीज़ें, बट वो गुडविल के चला के देते हैं खाना वाला। तो हां वैसे ये सब मुझे नहीं पता, पर खाना तो जबरदस्त रहता है। तो अगली बार आएंगे ना तो 2-3 डब्बा घर भी लेके आ जाना यार। हम लोग ये भी कर सकते हैं, अलाउड है कि अगर बच जाते हैं तो आप पैसे के ले जाइए अपनी फैमिली के लिए। नया नया नौकरी लगा है ठीक है, दो गुलाब जामुन के चक्कर में नौकरी मत गवाओ ठीक है। 2-3 सीटी लगेगी और हो जाएगा। मुझे भी पता नहीं है क्या है, मतलब ऐसे यूज करती हूँ मैं इसको कभी चिकन सूप में, बट टेस्ट अच्छा ही करता। डाल डाल देख देखते हैं, शायद ये भी एक्सपायर्ड ही हुआ है मार्केट। पता है अक्षर, ये कुकर आया है हिंदुस्तान से उड़ के आया है, मलिहा अपने साथ में कुकर लेके आई है, लाने की जरूरत नहीं। अगर आप जो भी लोग देख रहे हैं अक्षर के चैनल पे ये वीडियो, मेरे चैनल पे नहीं जा रहा है। घर का ये हालत हो रहा है सही में, तुम मेरे इस पे डालोगे हम कर देंगे, डोंट वरी, रेट सब कर देंगे। तो हम ऐसे ही तुम फिर वीडियो बनाते रहते हो, तुम एडिट करके डाल दिया करो मेरे चैनल पे, बहुत लोग मेरे पेमेंट लेना स्टार्ट करेंगे, 100 डॉलर देंगे महीने का। तो उसमें लॉगिन कर देते हैं कि यहाँ पे ना एक लिंक आएगा, उसमें बता देंगे कि इंडिया से अगर क्या क्या लेके आना है, पहली बार इंडिया से आ रहे हैं स्टूडेंट बन के या कुछ भी, तो क्या क्या चीज़ लेके आ रहे हैं उसके लिए ये लिंक है, यहाँ पे डाल देंगे। बट मलिहा तुम मेरे लिए कुछ काहे नहीं लेके आए इंडिया से? घर में इतना सामान भरा हुआ है कि मेरा सामान रखने की जगह नहीं है ना, वो भी पुराना है भैया का उतारन पहने, ये अशर का टी शर्ट है, नहीं कर पाए क्योंकि जगह नहीं है घर में, और हम उसमें आपका सामान लेके आते। तो मतलब वो सामान मेरा नहीं है ना, उतारन हम गरीब आदमी, गरीब आदमी छोटा बेटा जो होता है ना उतारन ही पहनता है, उतारन पहन हुए। पहले तो खाली भाई लोग का उतारन पहनते, अब तो दोस्त का भी उतारन पहनने लगे हैं। मेहमान लोग के लिए फल फूल लेके आए थे, खाइए नहीं रहे, केला खराब हो गया है, अनार भी खराब हो गया है, सब सड़ गया है, ये भी सूख रहा है, सूखा। काहे नहीं खाती हो जी, काहे नहीं खाती हो जी, खराब है, ठीक नहीं है। फल खाओगी मजबूती आएगा, तुम क्यों नहीं खा रहे हो? हम नहीं खाते ना फल, बीच का एक दो स्टेप हम लोग कैप्चर नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, बस मैंने पानी में सोया सॉस डाला था, नमक, इंटरेस्टिंग, और कॉर्न फ्राई। कल से हम डाइटिंग पे चलते हैं, फ्रूट सैलेड्स ऐसे मत करो, चावल प्रॉपर्ली प्लान करो, देख उसके वीडियोस देखो, समझो कि तुम्हारी बॉडी को क्या चाहिए, न्यूट्रिशनल जो भी खाना होता है एक प्लान बनाओ, उस पर करो, क्योंकि फिर से तुम ऐसे स्टार्ट करोगे तुम 2-3 दिन में फिर तुम थक जाओगे।
नहीं कर पाऊंगा। अगर अगर आपको भी हो इस वीडियो में, अगर आपको भी चाहिए कोई न्यूट्रिशन के कहाँ जाएं, क्या खाएं, समझ में नहीं आ रहा कि किधर जाके खा सकते हैं, तो यहाँ पे एक लिंक शेयर कर देंगे, इंस्टाग्राम अकाउंट है बशार की भाभी का, द डाइट टेलर, तो उनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बशार का नाम लेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा इंशाल्लाह। और भाभी आप अगर ये वीडियो देख रही हूँ और आपके पास कोई रेफरल आया तो आप 10% मुझे फिर कमीशन भी दे दीजिएगा, तो आपको 20% का नुकसान है मगर थिंक अबाउट दैट 80%। तो दुआ कीजिए कि वीडियो देखने के बाद कि हमारी तबीयत अच्छी हो जाए। तो हमारे पास कुछ पेंडिंग वीडियोज़ हैं जिसको हम लोग जल्द से जल्द एडिट करके डालें। मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए फिया मनिल्ला, खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। मेरे को टेस्ट ही नहीं मिल रहा, मतलब मेरा तो टेस्ट जा चुका है।